तो सबे तो कही कही निज नामा लगे करण सब दंड प्रणाम। तुम्हारे द्वारा तुमने दशीष और फिर जाम के धर पे आकर भगवान शंकर का पान करना चाहा है तो ठहर सागर विशाल छत्र के छवे छत छोरी छत छत्र का छा छत यहाँ छा छत यहाँ छा छत यहाँ बेग दिखा के देखावे मोड़ नंदा आज उनको मही उलंड मही दिला तो सीर थक 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 थन थन होगा कन्या ये धर्म पता थक बचाएगा चट 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 टूट टूट टूटेंगे सुमेर मेर तब फटेंगे फलिंद्र हम जाएगा कर दिया प्रहद में उठार का तो सारी सौ की तुम हट जाएगा भगवान जवाब दिया परस लेकर दौड़कर हमारे भैया की ओर आ रहे हैं तब हमारा ध्यान यहां से हटकर उस अयोध्या की ओर चला जाता है। भगवान हमारी मां बार बार महलों से उतरकर मुख्य द्वार तक आती होगी और द्वारपालों से पूछती होगी कि ऐ द्वारपालों क्या हमारे कुमार आ गए क्या हमारे राम और लक्ष्मण आ गए तो क्या देवताओं की पत्नियां अपराधी के ऊपर फूल बरसाती है का? हमने तो कहूं नहीं पढ़ा अब आपने पढ़ा हो तो बताओ आपने अगर तैयारी की हो तो बताओ भाई हमने तो नहीं पढ़ा हम तो हरी मान रहे हमको हमको कहीं नहीं ऐसा सुनाई पड़ा कि अपराधी अपराध करता है तो देवता ऋषि मुनि महात्मा ये सब जय जयकार करते अरे देवता छोड़ो और भी लोग हैं कौन है तो शास्त्र कहता है ब्रह्मादिक तो क्या ब्रह्मा जी गलत गति का समर्थन करते हैं का ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीषा और धनुष तोड़ने वाले का कर क्या रहे हैं कि प्रभु ही प्रशंसीय और ते ही धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं और धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रह्मा जी देवता मुनि महात्मा साधु संत महात्मा ज्ञानी धर्मशील सतानंद विश्वामित्र याज्ञवल्क अष्टावक्र इसी धनुष तोड़ने वाले के समर्थन में है तो ये सब खराब है केवल तुम ही दूध के धुएं हो। चलो हो गई बात हमारी बात सुनते नहीं हो सुनते नहीं हो अल्लाह कहते हो सुनते नहीं हो हमारी बात सुनो हमने डेढ़ ढाली पड़ी थी समझते नहीं हो बाप सुनो हमने डेढ़ डाली पड़ी थी साधु चरित शुभ चरित कपासु और निरंतर अगर तुम अपना कंदुक हमारे पाले फेंकते हो तो हम खेलने का पूरा प्रयास करते हैं लेकिन अपना कंदुक अगर तुम्हारे पाले फेंकें तो उसको भी खेलने का प्रयास करिएगा मूर्तों के साथ में खेलो उसको लुटाइएगा नहीं खेलो जरा उसको भी क्योंकि तुमने कहा कि शब्दों की हमारी तुम्हारी लड़ाई है हमने कहा था कि साधु चरित शुभ चरित कपासु और निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही तुम पर छत्र दुआवा ये भैया कहां से हमने उत्तर किया था इसी ग्रंथ से उत्तर हमने किया था तुम कहते हो कि उत्तर नहीं करते हो हम क्या कहते हैं क्या तुम उत्तर करते हमने तत्काल उसका उत्तर किया था यह धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया है दोषपूर्ण कार्य नहीं है तो ये साधु लोग क्यों छिपा रहे हैं सीधे मैंने उत्तर किया था लेकिन तुम्हारे ऊपर से निकल रहा है बार बार तीन बार कह चुके हो शंकराचार्य तीन बार कह चुके हो कि कहीं से कोई प्रमाण नहीं यहीं से मैंने प्रमाण दिया है साधु चरित शुभ चरित वासु जहां कथा में खड़ा हूं और अगर अच्छे कार्य को साधु छुपाते हो तो लाओ कहीं से उत्तर हम तुम्हें समय देते साधु चरित शुभ चरित कपासु निरंतर गुणमय फल जासु जो सही तुम पर छिद्र दुरावा स्वयं में दुख साधु सहन कर रहे हैं लेकिन उसके कार्य को उसके दोषपूर्ण अपराध को ये छिपा रहे हैं कोई साधु बताने वाला नहीं है कि धनुष अमुक ने तोड़ा है तो इस पर भी चिंतन करिएगा फिर मैंने एक प्रसंग से जोड़ करके दिया था यदि उसका कार्य अच्छा तो हमारे भी कंदू को खेलने का प्रयास करते यदि उसने अच्छा किया है और मैं उसका विरोधी हूँ तुमने एक नहीं अनेक प्रमाण दिए हैं और इससे यह सिद्ध हो रहा है कि त्रैलोक धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है और ये बाबा अकेला विरोध में खड़ा है
अकेला आइए इसका भी प्रमाण दे रहा हूं। चौदह भुवन एक पति होई लेकिन भूत जो है तिष्ठे नहीं सोई। चौदह भुवनों का स्वामी राजकुमार लक्ष्मण एक पक्ष में हो चौदह भुवनों का स्वामी और जीवों का यदि विरोध हो जाए तो चौदह भुवनों का स्वामी भी नहीं ठहर सकता है। ये तो एक साधारण महात्मा है और सब उसके पक्ष में हैं। तुमने पढ़ा था किस किस उसकी त्रिलोक में जय जयकार हुई है। त्रिलोक उसके पक्ष में ब्रह्मादि के हमारे हमारे भी कंदुक को खेलने का थोड़ा प्रयास करो। हम प्रसंग से जोड़ करके धरती बना कर देते छुआ उसको तुम भी या तो हमारे आपका खंडन करो कि तुम्हारी बात ये गलत है। पहले भी मैंने इसका उत्तर किया था कि जो जिनके अनुकूल कार्य हो गया है वो सब प्रसन्न है। ब्रह्मादि के सुरसी था मुनि सा और प्रभु ही प्रशंसा दे असीसा। राजकुमार लक्ष्मण अब जरा कोई भी प्रशंसा करके देखे ब्रह्म प्रशंसा करे ना दाढ़ी खोल के चल रख दे अब करे प्रशंसा आगे है बाबा ये कोई भी जयकार करे करे ये कर रहे थे कर नहीं रहे हैं कर रहे थे। अब कोई भी उनकी जय जयकार करे कोई भी पुष्प अर्पित करे और फिर देखे त्रिलोक उसके पक्ष में है और ये बाबा अकेला खड़ा है और देखो क्या दुर्दशा करते उठना बैठना आ रहा है। सुर मुनि नाग त्रिलोक उसके पक्ष में है। सुर नर नाग नगर नर नारी और ये सोच ही सकल त्रास भारी क्यों भयभीत है जब उसने अच्छा कार्य किया है। और अच्छे कार्य के जो पक्षधर होते हैं वो कभी भयभीत नहीं होते हैं उनमें इतना साहस होता है। राजकुमार लक्ष्मण की भयभीत नहीं होती क्यों भयभीत है भयभीत होने का यही कारण है। हमने लोकमत और वेदमत कह करके हमने अपनी बात रखी थी दोनों हमने उदाहरण दिए थे प्रमाण दिए थे फिर ये धरती बना कर दी थी। भैया हमारा विरोध क्यों नहीं हो रहा अगर हम अधार्मिक हैं क्योंकि अधार्मिक लोगों का कुछ क्षण पहले धार्मिक लोगों ने विरोध किया था। हमारा कार्य अधार्मिक धनुष तोड़ने वाले का कार्य धार्मिक तो हमारा विरोध क्यों नहीं कर रहे छुआ हमारी बात को छुआ 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 कहें अपराधी है एक ही कौन चौपाई है हमने पढ़ी नहीं बीच में बीच में कौन सी चौपाई पढ़ी हम रुके चौपाई पढ़ो कौन सी चौपाई धनुष तोड़ने वाला अपराधी है। हाँ हाँ कौन सी चौपाई साधु चरित सुख चरित कपासु निरपसत सुनमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। हो गया हाँ देख देखे महाराज ये साधुओं का लक्षण बता रहे हो पर धनुष तोड़ने वाला अपराधी है इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे। ये जो चौपाई है ये साधुओं के लक्षण वाली है। आओ कौनो है तो चाहे जाई पहाड़ हम हैं सामने समझाओ बुद्ध के सब कपाट खोल करके बात किया करो ठीक है। ये जो चौपाई पढ़ रहे हो ये साधुओं के लक्षण की है लेकिन धनुष तोड़ने वाला अपराधी है इसकी कौनो चौपाई अब पढ़िया कहां थे जो भैया नहीं समस्या तो यह एक है भाई पढ़ी तो तब जाएगी जब वह होए जो न चौपाई है न दोहा है न श्लोक है न सोठा है न छंद है बस केवल आपका मुंह मुंह है तो जौन मना वो कहो तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब आइए चूंकि लक्ष्मण परशुराम संवाद शास्त्र का होता है मुंह जवानी का खेल नहीं चलता है इसीलिए मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। हाँ उसको शत्रु कहो आप शब्द की लड़ाई है केवल शब्द का दांव पेच है व्यासी शब्द का इसीलिए मैंने कहा था कि परशुराम ये धनुष तोड़ने वाले को शत्रु तो कह सकते हैं लेकिन धनुष तोड़ने वाले को अपराधी। आपने कहा बोले ब्रह्मा जी कर रहे हैं वो बोले जो बाबा खेला आ गया अब करे ब्रह्मा का दाढ़ी ना उठा ले ऐसा तो है। पहले ये बता दे कि उचित दूरी बनाकर रखिएगा नहीं तो सावधानी हटी तो दुर्घटना। अब तुम्हारे पास का रामायण रामायण की चौपाई श्लोक खत्म हो गया ये रामायण की अर्धाली है क्योंकि ये वाहनों वाला साहित्य है ये वाहनों में पीछे लगा पीछे लिखा रहता है कृपया उचित दूरी बनाए रखें सावधानी हटी दुर्घटना
तो बेटा वाहन है, तुम भी वाहन हो, हम भी वाहन है, अंतर है तुम छोटे वाहन हो और ये बड़ा वाहन है। जितना भी नर्तन है ये सब वाहन है, ये अर्धाली हमने ये रामायण से ही हमने बात रखी है। नर्तन भाव पारित का बेरो और सन्मुख मरुत अनुग्रह, ये भगवान ने स्वयं कहा है कि ये जो नर शरीर है ये वाहन है। तो तुम भी वाहन हो, हम भी वाहन है, अंतर है तुम छोटे वाहन हो, ये बड़ा वाहन है, बस ये अंतर है। अच्छा, हम भी वाहन है, आप भी वाहन, ये भगवान की वाणी। अच्छा, वाहन हो, भार वाहन, हाँ ढो रहे हैं लोग, यही समझ रहे हैं कि भार वाहन ढो रहा है। आप ठंडे, अरे भैया, अरे रुक गया तो भैया, अरे बहुत जरूरी, हिंद बहुत जरूरी है, जरूरी पहले बात निकल जाएगी तो क्या फायदा, वही जरूरी पहले पूरा, विवेक में बात आती है, इसीलिए तो हमने कहा था ये रास्ता है तर्क का, ये बड़ा पैना होता है ना, बात आती है तो आप बोलने लोगों के कौन कौन निकल जाए तब तक। तो हम भी वाहन है, आप भी वाहन हो, आप भी वाहन हो, हम भी वाहन है, नर्तन भाव बारित कहूं बेरो और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। आपने कहा कि हम बड़े वाहन है, मैंने आप बड़े वाहन है, हम छोटे वाहन है, क्या क्या करोगे, क्या करने का क्या विचार? देखो उत्तर वहां से आ रहा है, ये देखो, इसलिए देखो, लोग भी कह रहे हैं उचित दूरी बनाकर रखिएगा, क्योंकि छोटा वाहन और बड़ा वाहन, अगर छोटा वाहन कहीं धोखे से बड़े वाहन से टकरा गया, छोटा वाहन धोखे से अगर बड़े वाहन से टकरा गया तो छोटा वाहन दिखाई नहीं पड़ेगा, और अगर कहीं ये बड़ा वाहन छोटे वाहन से टकरा गया तो बेटा ढूंढे नहीं मिलेगा कि कहां था छोटा वाहन। बात तो सही है कि बड़ा वाहन अगर छोटे वाहन से टकरा जाएगा तो छोटा वाहन दिखाई। एक विडंबना स्वामी जी, और बताऊं कि छोटा वाहन, लेकिन उचित दूरी बनाकर बताइएगा। अरे रुका था, दूरी दूरी वही का दूरी जितनी हो इकड़ा। छोटा वाहन बड़े वाहन से टकराएगा तो परशुराम जी कह रहे छोटा वाहन दिखाई नहीं पड़ेगा। एक बात बता मैं पंडित जी, गलती भले छोटे वाहन की हो, मारा बड़े वाहन वाला जाता। अब जरा चिंतन करिए, ताली बजाने वाले। अच्छा, अरे रुक जाओ, हाँ चिंतन करेंगे। क्या कहता है कि गलती भले छोटे वाहन की हो लेकिन मारा कौन जाएगा? भैया जो बड़े वाहन होते हैं तो वो जो बड़ा वाहन जिसका होता है वो मारा जाता है कि चालक मारा जाता है? जो बड़े वाहन होते हैं वही चालक होता है कि चालक कोई दूसरा होता है? जो बड़े वाहन होते हैं भैया, बड़ा वाहन वाला ही चालक होता है कि नहीं? बड़ा वाहन जिसका होता वही चालक होता है कि चालक कोई दूसरा होता है? इस पर चिंतन करना है। अपवाद की मैं बात नहीं करता हूँ, नियम की बात करता हूँ। अगर किसी के पास कोई बड़ा वाहन है तो एक दो ऐसे हो भी सकते हैं कि स्वयं में चालक हो, लेकिन बहुधा चालक कोई दूसरा होता है, वाहन किसी दूसरे के होते हैं। ठीक, तो बड़ा वाहन वाला नहीं मारा जाता है भैया, मारा कौन जाता है? चालक। अब ये शरीर है और इस शरीर का चालक कौन है? कोई मार पाया है आज तक? उत्तर ले लो, आपने कहा मार पाया है, एक क्षण रुक लो। इस शरीर का आपने कहा चालक कौन है, ध्यान देना थोड़ा। तो चालक आपने इसको बताया परमात्मा से, तो परमात्मा चालक नहीं है, परमात्मा संचालक है। शब्द का ही खेल केवल होता है। परमात्मा को चालक कहोगे तो परमात्मा की गरिमा को घटाना हो जाएगा, परमात्मा को संचालक कहोगे तो परमात्मा की गरिमा को बढ़ा। इसलिए जाओ किसी मंदिर में बैठ के पूजा पाठ कराओ, उत्तर चक्कर में। हमारे यहाँ घंटी नहीं बजती है, हम भगवान शंकर के पुजारी हैं, हमारे यहाँ घंटा बजता। तो इतनी जोर से कहे बोल रहे हो कि घंटा बजता है, जानकारी में नहीं है, जोर से बोलने की आवश्यकता थोड़ी है। एक बात बता दे, महाराज धनुष उठाऊंगा, धनुष पर बाण चढ़ाऊंगा, तो चार सभा जाओगे मुनि, जब धनुष उठालेंगे बड़ा के चक्कर में धनुष का सर उठा लेंगे, मुने सुना ये रघुवंश से खड़ा है, नहीं भी थक्कड़ है, थक्कड़ नहीं पूरा भुलक्कड़ हो, नहीं तब तक तस्कर की तलन तक विषम विस्काल खा लेंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया मुने, अरे जो करते ही तो चलते हो, अजगत के फिर सिंहा का मुने फरसा दिखाते हो। पहली बात तो हमने कहा था कि शरीर को चलाने वाला कौन? आत्मा। ठीक ठीक ठीक।
परमात्मा में नहीं कहा था, आत्मा और परमात्मा में अंतर है। ठीक है, तो इस शरीर को चलाने वाला आत्मा और आत्मा को आज तक कोई मार नहीं पाया है, इसलिए तारा मंडलिया ये गल 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 का सब आएगा, खट खट खन खन होगा खंडिया, ये धाम पता धाक हो जाएगा, चट 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 टूट टूट टूटेंगे सुमेर मेर तब फटेंगे फलिंद्र हम जाएगा, कर दिया प्रहद में उठा का तो सारी सब तुम हट जाएगा। अरे अरे भाई बच बच गए बेटे, अगर अगर हट जाते तो बराबर दिखाई पड़ते, मन तो रहा कि फांद के निकल जान हुई लंग, हम जो जो अब का फायदा गलत हो जाएगा है ना, नहीं देखो मेरा वीरता की बात करो रहे वो नहीं तो ये उदित उद्याचल में उदित रहोगे भान, जब कौन की किसान चैंपियन सर रहेगा ये कोलाहल मचाएंगे सब लोग पाल दिक्पाल, जब शेष के महिंद्र का फणिंद्र हिल जाएगा पड़ेगा पाला, जब दशरथ के लाल से तो पंडित जी आपकी बुद्धि तक में घुन लग जाएगा, घुन नहीं लगता है ब्राह्मण की बुद्धि में, ये धरा धसेगी, इधर देखो ये धरा धसेगी, प्रलय मचेगी, तब ये भूतल सारा कांप उठेगा, ट्राई ट्राई सब लोग बुला रहे हैं, चौकी हाहाकार मचेगा, ये रघु बदतारी तो बेटा पकड़ने का मार मिलेगा, बड़ा पुनः पेट के जिस मधुर पर बात आएगा। महाराज एक बात बता दे, जाने कितने हैं घोर घमंडी काले, ये जाने कितने आए ये घोर घमंडी काले, अब मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे, तो बेटा मैंने भी मन में अब ठानी है कि अभी पता चल जाए कि दूध में कितना पानी है, पता चल जाएगा दूध में पानी, पानी और दूध अगर मिला हो तो दूध और पानी को अलग करने की सामर्थ्य किस में है, हंस में, और हंस पूरे त्रैलोक में कौन है, संत है, संत हंस गुण गाहे पै परिहरि वार विकार, जो संत होते हैं वो नीर क्षीर विवेकी होते हैं, जो हंस होते हैं वो दूध और पानी मिला करके रख दिया जाए तो दूध को हंस पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, बोले आज पता चल जाएगा कि दूध में कितना पानी है, एक बात बता दे स्वामी तो आज मेरे भी मन भाया है, आज मेरे भी मन भाया है, वो अभी प्रकट कर दूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध, तुम्हें प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, देखने वाले लोग देख रहे हैं कि किसकी मैया ने किसको कितना पिलाया है, ये सिंह चलता है अकेला और सियार चलते टोली में, और तुम जैसे राजकुमारों को हम डाले रहते, अरे रे झोली वाले बाबा आए, तभी हम जब छोटे थे तो हमारी माता कौशल्या सुमित्रा कहती थी रात में जब रोने लगते थे कि बेटा रो नहीं नहीं बाबा आ जाएगा, ऐसे है बाबा लोग है बदनाम करे हैं बाबन का है ना, अब बताए झोली वाला काम करे हैं, और हमसे कह रहे थे बोले ये बताने की आवश्यकता थोड़ी है, लोग देख ही रहे हैं किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है, हाँ ये भी ये आपकी बात सही है कि आपकी माता ने आपको दूध पिलाया है वो हमसे ज्यादा पिलाया है, क्यों, क्योंकि परशुराम की पांच भाई है, को कबाब पिला रहे हैं, चूंकि परशुराम जी है पांच भाई और ये जब पैदा हुए हैं पांचों भाई तो ये क्रमशः पैदा हुए हैं, क्रम से हम दो भाई हैं, हम और शत्रुसूदन, हम लोग क्रम से नहीं पैदा हुए हैं, हम लोग साथ में पैदा हुए हैं, तो हमारी माँ के दूध में बंटवारा हो गया है, आधा हमको पीने को मिला है और आधा हमारे भाई शत्रुघ्न को पीने को मिला है, परशुराम ने अपनी माँ का पूरा दूध पिया है, तो मैं परशुराम जी को भी प्रणाम करता हूँ और परशुराम जी की माता जी को भी प्रणाम करता हूँ कि धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है और उनसे धन्य हो आप कि आपने उन्हीं की गर्दन पर ये फरसा, मैंने पिता के आशीर्वाद से पुनः जीवन दान दिलाया है, उसके आगे भी पढ़ाओ। देखिए महाराज बड़ों की उत्तर पुस्तिका जांचने का अधिकार छोटों को नहीं होता, माता जी ने कुछ गलत किया था तो पिता को अधिकार है कि दंड दे सकते हैं, न कि बेटों को, बेटों को दंड देने का अधिकार माता को नहीं, मेरा जीवन है व्यासी कैसा है वैसा है, ईमान बेच दो टुकड़ों में,
ईमान बेच दू टुकड़ों में वो इस नाहर को स्वीकार नहीं, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता इस दिन को रात नहीं, ये परवाह नहीं अगड़ित बाधाएं, परवाह नहीं अगड़ित बाधाएं, ये आती है तो आने दो, परवाह नहीं अगणित बाधाएं, ये आती है तो आने दो, ये महानाश की तिमिर घटाएं, ये महानाश की तिमिर घटाएं, ये छाती है तो छाने दो, अरे हमें चिंता किसकी है, अपने इस पथ के मतवाले, हम अपने इस पथ के मतवाले, तूफान प्रलय झंझावों में हम कभी नहीं रुकने वाले, मैं आशावादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, और जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं, कहता है कि बड़ों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने का अधिकार छोटों को नहीं होता है, तुम हमसे बड़े हो कि छोटे हो, जब से मेरे सामने आए हो तो बड़ों को उत्तर पुस्तिका जांच रहे हो, जब पिताजी ने आदेश दिया और मैया के सामने मैंने निवेदन प्रस्तुत किया तो मेरी माँ ने एक संकेत दिया, सुनो जननी, सोई सुत बड़ भागी और जो भी तुम्हारा वचन अनुरागी, मैंने अक्षर सा पालन किया, अब जो तुमने धारा दी है ब्यास जी कौन सी धारा है, मैं कहता हूँ औरत हो कह दूंगा अभिमानी हो, अयोध्या के प्यासों से पूछो मैं कितना कड़वा पानी हूँ, मेरे इस फरसे ने लक्ष्मण मेरे इस फरसे ने लक्ष्मण श्रोणित की धार बहा दी है, सम्मुख जाकर के अरियो की एक काट भुजाएं गिरा दी है, मैं प्रलय में जहां लखन लाल बाणों का वर्षण कर दूंगा, काट कुठार से अभी कंठ भोले को अर्पण कर दूंगा, इन बादलों में कितना पानी है ये बतला सकता है कोई नहीं, और जीवन मेरा दास लेकिन मैं जीवन का दास नहीं, मृत्यु जरा व्याधि नाशो ब्रह्मचर्य परम अवसर, दूर दूर कर चलते अंगारों पर केवल चलते जाना, ये मेरा जीवन है, धू धू कर चलते अंगारों पर केवल चलते जाना, ये कोटि कोटि भव विघ्न परे, ये कोटि कोटि भव विघ्न परे, पर रुकना हमने कभी न माना, क्योंकि रुकने में ही मृत्यु सदा, रुकने में ही मृत्यु सदा, चलने में हमने जीवन मांगा, कैसे रोकूं इन चरणों को जिन्हें रुकने का अभ्यास नहीं, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, कभी किनारे पर हो बाजी अभी तुम्हें मणिधार मिलेगी, अभी किनारे पर हो बाजी अभी तुम्हें मणिधार मिलेगी, छिछले जल में अब जब तुमने ये नाव चलाना सीखा है किंतु अभी भी मार कठिन है, घुटनों के बल चलना सीखा है, मंद मंद जल की लहरों में
अब तक तुमने था न पाई, बंधे हुए इस तट के जल में गहराई में क्या गहराई, अब कुछ आगे बढ़कर देखो तो पीछे भमर हंकार मिलेगी, अभी किनारे पर हो माझी अभी तुम्हें मधार मिलेगी। अरे महाराज मैं जानता हूँ आपके बारे में, हमको बताने की आवश्यकता थोड़ी है, ये पापों से बोझिल वसुंधरा, ये पापों से बोझिल वसुंधरा, ये पाताल मार्ग जब खोज रही थी इन महानवता के पक्षस्थल पर, वो जब दानवता जब लौट रही थी जिस समय खुले बाजारों में, जिस समय ये कन्याएं बेची जाती थी, अब बूढ़ी अनाथ अबला कौए पदकों को दे दी जाती थी, ये बूढ़े हो जाते जब ही पिता, ये बूढ़े हो जाते जब ही पिता, तो इन्हें गंगा में बहाया जाता था, वो खेलते हुए इन बच्चों को जब चीर चलाया जाता था, जिस समय गरीबों की झोपड़ियों में आग लगाई जाती थी, और जिस समय साधुओं को जबरन मदिरा पिलवाई जाती थी, जिस समय यह सनातन धर्म ग्रंथ, जिस समय सनातन यह धर्म ग्रंथ ये ईंधन के, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ये ईंधन के बदले चलते थे, और जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, तब कहां गए थे परशुराम, तब कहां गए थे परशुराम, तब नहीं सामने आए थे, तब हाथों में लेकर धनुष बाण ये रघुकुल नंदन आए थे, ये वही वंश है महामुने, ये वही वंश है महामुने, जिसने राक्षस दल मारा है, अब पड़ गए चरण उस पत्थर पर, तो उस पत्थर को भी अब हम जागे थे, सुन लो, कुल में था बरबर अर्जुन था, वो इतराता था, मदमाता था, ब्राह्मण द्रोही था, उच्छंखल ये ऋषिमंडल पीड़ा पाता था, तब उसकी साहस भुजाओं पर ये चमचम चटका मेरा कुठार, तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल, फिर ये मर्द मेदनी रौंद रौंद निक्षत्र करी 21 बार, मिट गए सलब है बंसी जब ओढ़भड़ की पद सोध ज्वाल, तुम नहीं जानते लखनलाल, तेरे पूर्वज असमत मूलक क्या उनकी दशा बनाई थी, जाकर पूछो छोटे अपने से दयनीय दशा हो आई थी, हम वीरों का पाना अति कराल, तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल, हमसे कहते ये पौराणिक कथा है तो मैं स्वीकार कर लेता, क्योंकि पौराणिक विषय मेरा नहीं है, हैं? और हमसे कह दो लक्ष्मण वीर क्या होता है ये तुम नहीं जानते हो, अरे ये तो हमारा विषय है, वेद पुराण परशुराम जी का विषय है, लेकिन वीरता ये हमारा विषय है, हमसे ये न कहो वीरों का बाना क्या होता है, क्योंकि हम स्वयं वीर हैं, शास्त्र प्रमाणित करता है कि गुण सागर नागर पर पीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा सुंदर श्यामल पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भैवे हरन कृपा सिंधु रघुबीर अखिल विश्व कारण करण। आई व्यासी मेरा जीवन दर्शन है, चार पंक्तियों में प्रस्तुत करता हूँ और हृदय में विश्वास है कि सबको अच्छी लगेगी। ओ थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। ओ महिम सैल हूँ सैल हूँ महिम सैल हूँ
पर पिघलता नहीं हूँ, महिम सेल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ, महिम सेल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, बनाता बहुत पर पिघलता नहीं हूँ, नहीं हूं। एक बात बताऊं सच्चाई कि भरा स्वच्छ जल से कुआं में नहीं हूं। कोई कह दे कि लक्ष्मण तुझमें कोई कमी नहीं है, मैं कहूंगा ऐसा नहीं है, अरे मनुष्य में तो कमी होगी ही, क्योंकि मिट्टी का संसार है और मिट्टी के संसार में अगर मित्र पैदा हुए हो तो कीचड़ से नहीं बच सकते हो, मिट्टी के संसार में अगर पैदा हुए हो तो कीचड़ तो लगेगा ही। शास्त्र कहता है ना, काजल की कोठरी में, काजल की कोठरी में कितनों ही सयानों, एक सी लागी है लागी है पे, तभी तो कहता हूं कि भरा स्वच्छ जल से ये कुआं में नहीं हूं, महिम सैल हूं पर पिघलता नहीं हूं। विश्वनाथ जी सदा दूसरों से, सदा दूसरों से कया मैं छला हूं। गीत के शब्द पर ध्यान देना तो गीत का रस निकल आएगा। सदा दूसरों से गया मैं छला हूं, और भला तो नहीं, मैं नहीं कहता हूं मैं बहुत अच्छा हूं, भला तो नहीं पर बुरों से भला, भला तो नहीं पर बुरों से भला, कहता हूं जो बात, कहता हूं जो बात, कहता हूं जो बात वह फिर पलटता नहीं हूं, अथवा यह कह दे कर आगे बढ़ा तो फिर पीछे हटता नहीं हूं, क्योंकि सुलगता बहुत पर धुआं में नहीं। कहता है शास्त्र, कहता है कि काजल की कोठरी में कितनों ही सयान हो जाए, तो फिर जो ये कहते हो कि मैं भला तो नहीं हूं पर बुरों से भला हूं, तो मनीषियों का चिंतन है कि बुरा जो देखन मैं चला, ये भी मनीषियों की चिंतन है, काजल की कोठरी में सनू जाए अगर ये चिंतन है तो मनीषियों का ये भी चिंतन है कि बुरा बुरा जो देखन मैं चला, तो बुरा न मिलिया कोई और जो दिल खोजू आपनो तो मुझसे बुरा, तो फिर तुम्हारी बात ये कट जाएगी कि मैं भला तो नहीं हूं पर बुरों से, तुम्हारी दृष्टि में कुछ बुरे भी हैं, ये तुम्हारा जीवन दर्शन है, और हमारा जीवन दर्शन कैसा है, ये क्रोधी अंग अंग क्रोधी रग रग क्रोधी शरीर मेरा परिचय क्रोधी, अंग अंग क्रोधी रग रग क्रोधी शरीर मेरा परिचय, मैं शंकर का क्रोधारण हो मैं क्रोधानल हो, भैरों का हम हो चार अपनी अंतस की ज्वाला से धरती को करता धुआं धार, अपनी क्रोधानल के द्वारा अम्बर में आग लगा दूंगा, जल उठे सभी जल थल चेतन, ये जल चेतन तो क्या विषमय क्रोधी अंग क्रोधी रग रग क्रोधी शरीर मेरा परिचय, मैं आदि पुरुष निर्भयता का पुरुष निर्भयता का व
वरदान लिए आया भूपर पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ हूँ विष पीकर गंड का कीर्ण पथ पर चलता चलता हो तो क्या विषमय क्रोधी अनन क्रोधी रंग रंग क्रोधी शरीर मेरा परिचय। भगवान परशुराम जी ने अपना परिचय हमको दिया, परिचय क्या है और परिचय में है क्या, ध्यान देना परिचय क्या है अब परिचय में क्या है। तो इन्होंने गीत पढ़ा कि क्रोधी रग रग क्रोधी तन मन अपीर बेश मेरा परिचय। इन्होंने कहा कि मेरा क्रोधी शरीर है, क्रोधी रग रग है, वीर वेश मेरा परिचय है। देखो महाराज, हम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं कि लक्ष्मण कितना क्रोधी है, वो तो प्रमाण के लिए प्रत्येक व्यक्ति बैठा है। आपने भी क्रोध किया था, हमने भी क्रोध किया था, आपने बहुत ज्यादा क्रोध किया था, हमने ऐसे हल्के पुल्का क्रोध किया था तो स्थिति बदल गई थी, हमने भी क्रोध किया था। कब? जब कही न सकत रघुबीर डर लगे वचन जनुबान तो नाई राम पद कमल शिर बोले गिरा प्रमाण। और जैसे ही मैंने क्रोध किया था तो शास्त्र को प्रमाण देना पड़ा था कि लखन से कोप वचन जे बोले, लखन से कोप वचन जे बोले, ये लखन से कोप वचन जे बोले। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो हुआ क्या था, ये डगमगानी ये जो धरती है ये डोल गई थी, डगमगानी धरती डगमगा गई और दिग्गज डोले, जितने दिग्गज थे वो डोल गए थे। हमने क्रोध किया, केवल क्रोध किया तो धरती डगमगा गई, आपने अतिरिक्त किया तो धरती पर कोई असर नहीं हुआ। तो हम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, पर ये बताओ नहीं कि हम क्या हैं, क्योंकि अगर ये बताओगे कि हम क्या हैं तो फिर हमको भी बताना पड़ेगा कि हल्के मन ले जो विचार धारा बना के आए हो कि संकोच न करना कहीं से, क्योंकि मैंने एक बार पूछा था कहां से आए हो, व्यक्ति ने कहा जानता नहीं हूं, मैंने कहा जाना कहां है, कहा ये भी नहीं जानता हूं, मैंने कहा कैसे व्यक्ति हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, तुम्हें जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा था कि ये मेघ है, ये पानी बरसाते हैं और पानी की बूंद धरती पर गिरती है और धरती पर गिरने के बाद में पानी की बूंद का प्रयोग इन सांसारिक लोगों के द्वारा किस रूप में किया जाता है वो मेघ नहीं जानते हैं। आइए चार पंक्तियां सभा के मध्य प्रस्तुत है, हृदय में विश्वास है, अच्छी लगी। कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये इन मेघों को मालूम नहीं। प्रात काल होते ही पक्षी, क्या बात है वैसे, प्रात काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। मित्रों, कवि ने पक्षी शब्द का प्रयोग किया है और ये पक्षी कोई नहीं है, पक्षी का अर्थ हम सभी लोगों से है। प्रातः काल होता है, हम सभी लोग अपने अपने घरों का त्याग कर देते हैं, परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के बदले में जो हमको धन मिलता है उस धन से हम सभी लोग अपने अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। कवि ने कहा ये प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं और छोड़ घोसले में बच्चों को इस जीवन की नैया खेते हैं। लेकिन ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए, व्यक्ति घर से निकला और शाम तक नहीं पहुंचा तो व्यक्ति के परिवार वाले चिंता करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं,
और माँ से कहते हैं मैया पिताजी सुबह निकले थे रात हो गई अभी वापस नहीं आए। समाज के ही वयोवृद्ध लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति घर से निकले तो मित्र ये ठिकाना नहीं होता है कि शाम को सुरक्षित आएगा अथवा नहीं आएगा। तभी तो कवि को प्रमाण देना पड़ा कि ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए ये उन बच्चों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये इन मेघों को मालूम नहीं। तो अनजाने राही देखो अनजाने अनजाने माने होता है अपरिचित और राही राही कहते हैं मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को। कवि ने कहा कि ये दो हैं। विद्वानों ने पूछा अगर ये दो हैं तो ये कौन है। कहा एक का नाम है वर और दूसरे का नाम है कन्या। वर और कन्या ये दो अनजाने राही। एक अवसर आता है इनके जीवन काल में कौन सा जब ये दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। दो अनजाने राही एक दिन दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और साथ न छोड़े के जीवन में ऐसी कसमें खाते हैं। लेकिन कौन सा साथी कब छूट जाए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। न पति को मालूम है कि पत्नी पहले जाएगी और न पति को मालूम है और न पत्नी को मालूम है कि संसार की लड़ाई में क्या पति का साथ पहले छूट जाएगा। तभी तो कवि को प्रमाण देना पड़ रहा है कि ये कौन सा साथी कब छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये इन मेघों को ऋषि दधीच का दान विश्व में अमृत का वरदान हो गया। वो शिल्प कलाकारों के द्वारा अब पत्थर भी भगवान बन गया। शिल्प कलाकारों के द्वारा अब पत्थर भी भगवान हो गया। लेकिन कौन शिला शंकर बन जाए पर कौन शिला शंकर बन जाए ये उन शिखरों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। कौन सा साथी कब छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं। इसका उत्तर हम बाद में करेंगे पहले व्यक्तित्व का उत्तर कर दें। कहता है कि आपने जब क्रोध की अति कर दी अति ऋषि बोले वचन कठोरा कौ जड़ जनक धनुष के तोरा तो उसका प्रभाव हुआ अति डर उत्तर देत नृप नाही। और जब इसने क्रोध किया लखन सको वचन जे बोले तो डगमगान मई दिग्गज डोले। उसका परिणाम क्या हुआ जब पृथ्वी हिली तो सकल लोग सब भूप डराने। ये इनके क्रोध का परिणाम है इनके क्रोध का। सारे लोग डर गए और जितने राजा थे सब राजा भयभीत हो गए और हमारे क्रोध का कोई प्रभाव नहीं है। मेरा मात्र आगमन हुआ है जैसे मेरा आगमन हुआ तो तुम्हारे क्रोध से राजा भयभीत हुए हैं और हमारे मात्र आगमन से राजा भयभीत हो गए हैं। देखते जैसे मेरा आगमन हुआ देखते भृगुपति वेश कराला तो उठे सकल भय विकल भुआला। सारे राजागण हमारे आगमन मात्र से भयभीत हो गए हैं। और देखो जो राजागण तुम्हें बांधने की योजना बनाते हैं वो राजागण जब हमें देख लेते हैं तो संकुचित हो जाते हैं भयभीत हो जाते हैं। जो राजागण तुम्हें भयभीत करते हैं तो हमें देख करके स्वयं भयभीत हो जाते हैं। देख मही जैसे देखते हैं देख मही सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने। ये बेटे व्यक्तित्व का प्रभाव। ये बताओ कि तुम्हारा क्रोध क्या है हमारा क्रोध क्या है सुहा हो जाओगे कोई बचा नहीं पाएगा। चूंकि भगवान शंकर स्वयं प्रमाणित करते हैं इंद्र कुली से अब वो तो आशीर्वाद दे दिया तो उसका दुरुपयोग कर रहे हो
इंद्रकुलिस भगवान शंकर स्वयं कहते हैं इंद्रकुलिस मम शूल विशाला और काल दंड हरि चक्र कराला जो इन कर मारा नहीं मरई तो विप्रोस है पावक सो जरी सोहा हो जाओगे। व्यास जी कहां पर थे, कहां थे, किस धारा में थे? कौन सा साथी कब छुट जाए ये दंपति को मालूम नहीं, इसी का नाम जग है। जा माने जन्म लेना और गा माने गमन करना, इसी का नाम जग है। ये नारी छूट गई जब नर की, ये नारी पीछे चलने वाली नारी नहीं, ये नारी छूट गई जब नर की तो प्रियजन इतना ही कर पाए। चार लोग कंधे पर रखकर मरघट तक ले आए, मरघट इसका एक नाम श्मशान घाट भी है जिसको लोग श्मशान घाट भी कहते हैं। श्मशान घाट क्यों कहते हैं? इस घाट पर चाहे राजा आवे चाहे रंग आवे सबकी शान सम है, इसलिए शमशान है। ये नारी छूट गई जब नर की तो प्रियजन इतना ही कर पाए। चार लोग कंधे पर रखकर मरघट तक ले आए। कौन कौन आता है? ये दाना पील चबाने वाले इसी घाट पर आए और स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए और गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए। ये धनवानों के बलवानों के, ये धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, पर अंत समय वो चिता के ऊपर चुप होकर चित लेते हैं। सह न सके सिर दर्द कभी उपचार बहुत करवाए और जब समय आ गया चलने का तो धन्वंतर कामना आए। सावधानियों का चाहे जितना जोड़ा जाए मेला, पर उस मेले को तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस अकेला। माँ की गोदी से मरघट तक, माँ की गोदी से मरघट तक, ये कितनी लंबी यात्रा है? इतनी लंबी यात्रा तो नहीं जितना लोगों ने समय लगा दिया है। कभी ने बताया यात्रा कितनी लंबी है और लोगों ने समय कितना लगाया है? माँ की गोदी से मरघट तक कितनी है ये दूरी, और जिसको तय करने में सबने उम्र लगा दी पूरी। किसी कभी ने इस शरीर को, किसी कभी ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है, उस कभी ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है। व्यंग क्या है? उस कवि ने व्यंग ये किया है, उसने कहा कि ये शरीर सोने का है। यदि ये शरीर सोने का है तो जो सोने की राखी होती है जिसे स्वर्ण भस्म कहते हैं, बड़ी मूल्यवान होती है। अगर ये शरीर सोने का है तो इसकी भी राखी का मूल्य होना चाहिए, लेकिन इस शरीर की राखी का कोई मूल्य नहीं है। यही उस कवि ने व्यंग किया है। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है, उस कवि ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है। व्यंग क्या है? सोने की राखी देखो तो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। यही उस कवि ने व्यंग किया है। फिर भी इस शरीर की राखी का मूल्यांकन भगवान शंकर के यहाँ हुआ है। भगवान शंकर के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग की पूजा चिता के भस्म से ही होती है। भगवान महाकालेश्वर चिता भस्माले करले मशनंदी पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेशो
भजती जगदी सही कह पदवी भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलोमिदम। आइए महाराज, आपने गीत पढ़ा और कहा कि मनुष्य की राख का मूल्य तो भोले बाबा जानते हैं। ठीक कहा, रामायण में एक चौपाई भी है व्यास जी, समझो जरा माध्यम। सो मोहसन कही चाहत न कई से साक बनिक, साक माने होता है सब्जी और बनिक बनिक माने होता है व्यापारी। सब्जी बेचने वाले व्यापारी के पास में आप कोई मणि मणि लेकर के जाओ और सब्जी वाले व्यापारी से कहो कि इसका मूल्य बताओ। सब्जी बेचने वाले व्यापारी से मणि का मूल्य पूछा जाए, मूल्य क्या है, तो सब्जी बेचने वाला मणि ले लेगा, अब बदले में दो चार पांच आलू तुमको, इतनी सोच है उसकी। क्योंकि मणि का मूल्य सब्जी बेचने वाला नहीं जानता है, मणि का मूल्य तो कोई जौहरी जानता है। अब भोले बाबा से बड़ा परख दार व्यक्तित्व त्रैलोक में कोई दूसरा नहीं है। तभी तो शास्त्र कहता है कि सो मोहसन कहीं चाहत न कई से साक बनी कमणि कुन गन जैसे। जैसे सब्जी बेचने वाला मणि के मूल्य को नहीं जान सकता। हाँ, इनका एक गीत अच्छा लगा और गीत के चार चरण हमको अति प्रिय लगे और गीत के चार चरण मानो ये बता रहे हो कि गीतकार ने जो गीत की रचना की है वो उसने मरघट पर बैठ करके की है। क्योंकि गीत की पंक्तियां बता रही, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, धर्म ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट, इसी घाट। तो ये शब्द बता रहा है कि वो मरघट पर बैठ करके ही उसने इस गीत की रचना की। मरघट, मरघट को एक नाम और कहते हैं शमशान। आखिर इस घाट का नाम शमशान ही क्यों रखा गया? कोई दूसरा शब्द का चुनाव कर लिया जाता? आखिर मरघट का नाम शमशान ही क्यों? तो चिंतन किया तो हमें एक निष्कर्ष मिला, क्योंकि ये घाट ऐसा है, इस घाट में सबकी शान बराबर हो जाती है, चाहे राजा हो और चाहे रंक हो, लेकिन मरघट पे शमशान में सबकी शान सम होती है, इसलिए उस घाट का नाम ही पड़ गया सम। आइए चार पंक्तियां हमारी भी प्रस्तुत हैं इसी संदर्भ से संदर्भित। ओ धन तो धरा के बीच सबका धरा रह जाएगा। जब हम अपने देश से किसी विदेशी यात्रा पर निकलते हैं तो अपने देश का धन विदेशों में नहीं चलता है, अपने देश का धन विदेशों में नहीं चलता है। अगर वहां घूमने गए हैं तो अपने धन को बदलना पड़ेगा, वहां का धन लेना पड़ेगा, तब हम यात्रा संपादित कर पाएंगे। हैं? तो जब विदेशों में नहीं चलता है तो यहाँ का धन परमात्मा के यहाँ कैसे चलेगा? सोचिए, चिंतन करिए। तभी तो एक कवि की रचना है कि धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी तुम्हारी, तुम्हें देखती रह जाएगी, नारी लगे
से सब जाति पात नारी नारी अभी वहां नहीं है नारी ये नारी नारी से सब जाति पात और नारी से धूप प्रहलाद नारी से सब जाति पात और नारी से धूप प्रहलाद नारी के छूटत सब देही छूट जाते नारी अगर छूट गई है तो हमारा शरीर भी साथ छोड़ देता है तभी तो कहता हूं कि नारी लगे प्यारी तुम्हारी तुम्हारी गर्द परशुराम जी से नहीं कह रहे चूंकि हम जानते हैं तो है या नहीं आप लोगों को बता रहे हैं नारी लगे प्यारी भली तुम्हें देखती रह जाएगी जिस देह पर तू गर्व करता वो धूल में मिल जाएगी वैभव तुम्हारा इस जगत में वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा और सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन क्योंकि नियम है ना राजा रहा है न रानी रहेगी राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ ये भवन ना रहेंगे न कोई छानी रह जावेगी हम भी ना रहेंगे और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ कहने को केवल कहानी रह जावेगी चूंकि मैंने कहा था कि इसी का नाम जग है सुख पाता रहा जो जीवन में सुख पाता रहा जो जीवन में तो अंत में उसे दुख पाना पड़ा अब पछताया नहीं जो जीवन में तो अंत में उसे पछताना पड़ा खिलता जो रहा फूल सदा तो अंत में उसे मुरझाना पड़ा और विदिता है अकाट विधान ही कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा इसी का नाम जग है जो जन्मत सो मरत भी से जिसका जन्म है वो तो मरेगा ही आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर अंतर है कि कोई सिंहासन चढ़ गया कोई बांधा गया मनुष्य का शरीर ईश्वर ने दिया है और हम लोग मनुष्य बनकर के आए हैं इस धराधाम पर तो पहला तो धर्म ये बनता है कि हम मनुष्य बनकर के आए हैं तो मनुष्य हमको परमात्मा ने बना करके भेजा है तो क्यों भेजा है पहले तो इसकी जानकारी करनी चाहिए मनुष्य बना करके अगर ईश्वर ने भेजा है तो हमें क्यों भेजा है तो शास्त्र कहता है कि देह धरे क्या बात है व्यासी देह धरे भैया देह धरे कर यह फल भाई और फल क्या है कि भजी राम राम जी का भजन करने के लिए शरीर मिला है भजी राम सब काम बिहाई भजी राम भजी राम लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो राम का भजन नहीं करते हैं भगवान शंकर का भजन करते हैं तो लोग सोचेंगे कि हम तो भगवान शंकर का भजन करते हैं लक्ष्मण बता रहा है राम का भजन करिएगा नहीं तो ये नृत्य व्यर्थ हो गया तो जो लोग भगवान शंकर का भजन करते हैं वो भी राम के ही भक्त हैं बिनु छल बीसे नाथ बदने हूं और राम भगति के
लक्षण एहू राम भगत के। देखो बात वही हो गई, शंकर जी की पूजा करोगे तो राम जी की पूजा होगी, और राम जी की पूजा होगी तो शंकर जी की पूजा होगी, क्योंकि शंकर जी और राम जी में दोनों अंतर थोड़ी है, शंकर जी में और राम जी में। भाई अगर हमने राम जी के लिए कहा तो राम जी का जो भक्त होगा वो शंकर जी का भक्त होगा, और जो शंकर जी का भक्त होगा वो राम जी का भक्त होगा। नहीं, कहीं कहीं कुछ भेद है, कारण नहीं है, अब केवल मनगढ़ंत है। नहीं, मनगढ़ंत नहीं है, कारण है, कारण है। राम बढ़िया चिंतन एक सुन लो, जैसे तुमने कहा कि जो राम का भक्त है वो भगवान शंकर का भक्त है, और जो भगवान शंकर का भक्त है वो राम का भक्त है। एक भगवान शंकर का ऐसा भक्त है जो राम का विरोधी है, रावण भगवान शंकर का तो बहुत बड़ा भक्त है लेकिन राम का विरोधी है। आइए महाराज, आपने कहा कि देखिए शंकर जी का एक भक्त है रावण, लेकिन राम जी का भक्त नहीं है। देखो महाराज, शंकर जी का भक्त वो रावण भी नहीं है, उसने जो अपनी भक्ति की है वो केवल स्वार्थ में की है, स्वार्थ में। रावण ने जो भक्ति की है वो स्वार्थ में की है। भक्ति क्यों की है? भक्ति करेंगे तो वरदान प्राप्त होगा, और जब वरदान प्राप्त होगा तो जौन मन माएगा, और यही उसने किया। जब पैदा हुआ तो पहले उसने तपस्या की, कीन विदित तप तीनी भाई परम उग्र सो बरन न जाई, तो शंकर जी और ब्रह्मा जी को आना पड़ा, और उन्होंने वरदान दिया, और उसने वरदान मांग लिया कि हम काहू के मरे ही न मारे, और बानर मनुज जात दुई बारे। इन लोगों ने कह दिया एव मस्तु, तो जैसा ही उन्होंने कहा एव मस्तु वैसा है, पर पायस कीने से सब काजा, जैसा है वरदान मिला तो कीने से सब काजा, और तुरंत सीधे स्वर्ग लोक में चढ़ाई, जीते लोक पाल दिग राजा, दिग पालन के लोक सिधाए, सुने सकल दसानन पाए। और वही रावण, ध्यान देना थोड़ा, अगर भक्त है तो कोई भी भगवान अपने भक्तों को मारता थोड़ी है कि मारता है। वहीं पर जब रावण कैसे मरेगा, जब इसकी योजना बनी है तो योजना शंकर जी ने बनाई है, तई समाज गिरजा मैं रहे हूं, अवसर पाई वचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो मैं जाना, भगवान को यही बुला। और जैसे ही भगवान का ध्यान किया गया, जय जय सुर नायक जन सुखदायक पाल भगवंता, तो भगवान ने आकाशवाणी कर दी थी, जन डरपऊ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरि हो नरवेशा, कश्यप अदित महातप कीन्हा, तिनका मैं पूरब पर दीन्हा, ते दशरथ कौशल रूपा, पावनपुरी प्रकट नर भूपा, तिनके गृह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारी उठाई, हरि हो सकल भूमि करु आई। रावण को मारने का उपाय शंकर जी बता रहे हैं, तो वो केवल वरदान प्राप्त करने का खेल था, है ना, वो केवल बलिष्ठ होना चाहता था, और जैसे बलिष्ठ हो गया तो शंकर जी के कैलाश के पर्वत को उठा लिया। सोचो तो भक्त है, शंकर जी कैलाश में रहते हैं, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए ताकत तो चले हो मन हो, ऐसा लगता है कैलाश पर्वत को उठा करके रावण अपने भुजाओं के बल का प्रदर्शन कर रहा। अब बोले बाबा की जरा सी नजर टेढ़ी हो गई तो छूट गया पर्वत, और जहां से पर्वत छूटा उंगली नीचे दब गई, रावण रोने लगा, वहीं से रावण का नाम पहले रावण नहीं था, रोने लगा तो रावण पड़ गया, उंगली दबी तो रावण नाम पड़ गया। तो रावण ये भक्त तक नहीं है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, सच्चाई ये है कि जो शंकर जी का भक्त होगा वो राम जी का भक्त होगा, जो राम जी का भक्त होगा वो शंकर जी का भक्त होगा, क्योंकि राम और शिव में कोई भेद नहीं है, और जहाँ भेद है वहाँ भेद नहीं है, क्योंकि राम जी शंकर जी के अन्योन्याश्रित संबंध है। कितने संबंध है तो शास्त्र कहता सेवक स्वामी सखा सीपी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। राम जी सेवक, शंकर जी स्वामी, और कहूं कहूं शंकर जी स्वामी,
और राम जी सेवक है। आवश्यकता पड़ती है तो राम जी सेवक बन गए। अब भोले बाबा से कहा कि अब बिनती मम सुनहु शिव जो मुंह पर अति नेह, तो जाओ विवाह शैल जहिया मुहि मांगे देव। राम जी छोटे बन गए लेकिन भोले बाबा ने राम जी को छोटा नहीं स्वीकार किया। कहा शिव जदपि उचित अस नाही, लेकिन नाथ वचन पुनि मेटि ना जाही। सिर धरि आयस करब तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आइए दो पंक्तियां प्रस्तुत है। अच्छा अच्छा कोई था हम वही वही हरिहर एक है दोनों, हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम। कवि ने रचना की कम कैसे नहीं है, तो कवि ने लिखा ये रहते क्षीर सागर में। अब भोले बाबा वो रहते हैं हिमालय में। समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली थी, तो लक्ष्मी जी के साथ में इन्होंने विवाह किया था। हिमालय की पुत्री माता पार्वती, और पार्वती जी के साथ में भोले बाबा ने विवाह किया था। तो कवि ने कहा वो रहते क्षीर सागर में, अब वो रहते हैं हिमालय में। कवि ने बराबरी कर दी है। कैसे? कहा ऐसे कि ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। आचार्य वाणी प्रमाणित करती है शिव पद कमल जिन्हें रहती नहीं, तो राम ही ते सपने हो न सुहाही। ब्रह्म वाणी स्वयं प्रमाणित करती है और एक गुप्त मत है सबई कहो कर जोरी, और शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। लेकिन कहते क्या है देखिए, उत्तम कुल पुलास्ता कर नाती, और शिव बिरंजी पूज्यो बहु भांति। ऐसा नहीं कि उसने पूजा नहीं की, भक्ति नहीं की, भक्ति की है, लेकिन वही ब्रह्मवाणी प्रमाणित क्या करती है, दो भाव है भक्ति के, सकाम और निष्काम। यदि भगवान शंकर के निष्काम भाव से जो पूजा करता है उसको राम की भक्ति मिलती है, लेकिन जो सकाम भाव से भगवान शंकर की पूजा करता है उसको राम की भक्ति नहीं मिलती है। स्वयं राम ने कहा होई अकाम है, राम ने स्वयं प्रमाणित किया है, ब्रह्म वाणी प्रमाणित करती है होई अकाम है छल तजी जे से। बोले भगत मोरी तेही शंकर देही, निष्काम भाव से जो पूजा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि रावण ने भगवान शंकर की पूजा नहीं की, भक्ति नहीं की, भक्ति की, लेकिन सकाम भाव से की है। इसलिए चूंकि ब्रह्मवाणी कभी असत नहीं होती है, ब्रह्मवाणी प्रमाणित करती है कि जेही पर कृपा न कराही पुरारी। बोले सो न पाव मुनि भगति हमारी, तब तक हमारी भक्ति नहीं मिलेगी। अब एक इन्होंने जो धरती बनाकर दी है व्यास जी, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। कम क्यों नहीं है, इसने बताया कि दोनों लोग कहां रहते ससुराल में। हरि हरयो भेदो नास्ति, सर्वे जनानाम पापा नाम हर्षा हरि, सर्वे जनानाम कष्टा नाम हर्षा हरा। इसलिए हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ससुराल में भले रहते हो लेकिन ससुर की अवमानना करने में दोनों लोग कम नहीं है। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने
दक्ष सिर काटा इन्होंने, सिंधु को डांटा उन्होंने, दक्ष सिर काटा ससुर का, ससुर का मान हरने में न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो, एक बराबरी परशुराम जी ने भी कर दी है। कौन सी का इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। सिंधु को कब डांटा, जब बिने नमानत जलद जड़ गए तीन दिन बीत, तब बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। तो इन्होंने सुना दिया, इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। और व्यास जी मेरी रचना फिर अलग हो रही है, कहां से वो यहां से, कि ये पीते भंग का प्याला, बोले बाबा ये पीते भंग का प्याला, बोले बाबा भंग का प्याला, और राम जी एवं कुछ पीते हैं का, राम जी भी कुछ पीते हैं, पीते हैं प्रेम, आपको नहीं मालूम है, हमको मालूम है, हम छोटे पर संग है ना, हम राम जी से छोटे से पार ही थे, निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मान मान। भोले बाबा क्या करते हैं, तो कवि ने प्रमाणित किया है कि वो पीते भंग का प्याला, और राम जी सरकार ये पीते प्रेम का प्याला, ये पीते प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा, ये पीते प्रेम का प्याला, जब प्याला चढ़ गया तो नसम नहीं गया, ये लगना चाहिए कि नशे में, तो अभी तो पीना शुरू किया है, ये बीच में बोल रहे हैं व्यास जी, ये समझाओ इनको ये कौन है, परशुराम जी तुम ही हो, तुम्हारी दाढ़ी कहाँ गई, अब तो कुछ लग रहा है, नज़म न समझो कि हम क्योंकि जो प्रेम का नशा होता है, प्रेम का नशा मदिरा के नशे के बराबर होता है, पंथ है प्रमाणित है, न समझो कि हम पी गए पीत पीत, न समझो कि हम पी गए पीत पीत, न समझो कि हम पी गए, कहता हूं वो पीते भंग का प्याला, और ये पीते प्रेम का प्याला, और नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। हमने कहा था या कबल के जी लगना चाहिए, कह तो दिया, बात तो सही आपकी है कि वो भांग का प्याला पीते हैं और राम प्रेम का प्याला, प्रेम का प्याला पीते हैं। अब देखिए जो प्रेम का नशा होता है, तो रचनाकार ने बताया कि किस नशे के समान होता है, बोले करते विशुद्ध प्रेम का नशा और मदिरा का नशा, ये रचनाकार ने बताया है, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन थोड़ी बहुत न पिए हुए छक के पिए हो, ये रचनाकार ने बताया है, बोले करते मनोरथ जसा जी है जाके, और चाही सने है सने सुरा सब छा के, थोड़ी बहु न पिए हो सुरा छक करके पिए हो, रचनाकार ने बताया कि जब छक करके मदिरा का पान किए हो और विशुद्ध प्रेम के नशे में हो,
तो बताया कि भैया शारीरिक स्थिति क्या होती है, तो उन्होंने बताया कि शारीरिक दोनों की क्या होती है, बोले शिथिल अंग, शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है, विशुद्ध प्रेम के जो नशे में हो और मदिरा का छक करके पान किए हो, तो रचनाकार ने बताया बोले शिथिल अंग, बोले आओ क्या होता है, शिथिल अंग तो हो गए, शरीर ढीला हो गया, पग मग तो नहीं, पैर डालता कहीं है और पैर पड़ता कहीं है, शिथिल अंग है, पग मग तो नहीं, अप्यूहल बचन प्रेम बस बोल ही, कहता कुछ है और निकलता कुछ है, ये जो प्रेम के नशे में होता है अथवा मदिरा के नशे में होता है, दोनों की स्थिति रचनाकार ने एक बताई, हरि हर एक है दोनों, नहीं ये कम है न वो कम है, अब देखिए दोनों लोग करते क्या है, रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने, प्रिया का मान रखने में न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, उनके शीश पर चंदा, बोले बाबा के मस्तक पर चंद्रमा, उनके शीश पर चंदा, और राम जी के नाम में चंदा, श्री राम चंद्र कृपाल भज मन। एक बार भगवान का दर्शन करने समस्त देवता आए, चंद्रमा भी आया, लेकिन चंद्रमा थोड़ा रुष्ट था, भगवान ने कहा चंद्र तुम मेरे पास आओ, चंद्रमा ने कहा कि प्रभु हम रुष्ट हैं, चंद्रमा ने कहा कारण, अरे कहा आपका जन्म हुआ तो मैं आपका उत्सव देख नहीं पाया, भगवान ने पूछा अरे चंद्रमा तुम मेरा उत्सव नहीं देख पाए तो मैंने कोई मना किया था क्या, चंद्रमा ने कहा मना तो नहीं किया था, पर ये सूर्य गए नहीं, सूर्य भगवान गए नहीं, मेरा तो उदय रात को होता है, लेकिन जब आप पैदा हुए तो एक महीने का एक दिन हुई गया, मास दिवस का दिवस भा, एक महीने का एक दिन हो गया, अमरम न जान को, जब दिन बना रहा रात हुई नहीं तो मेरा उदय हुआ नहीं, और जब मेरा उदय हुआ नहीं तो आपका दर्शन मैं कर पाया नहीं, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुमको अपने नाम के आगे जोड़ते हैं, अपने नाम के पीछे जोड़ते हैं, साथ में जोड़ते हैं, और राम जी ने जोड़ दिया, और कवि को कहना पड़ा कि उनके भाल पर चंदा, और इनके नाम में चंदा, भक्त का मान रखने में न ये कम है ना वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, ये बहिनी तुलसी की माला, कुंजन मणिकंठा कलित उरन उरसा माल, ये बहिनी तुलसी की माला, वो पहने मुंडों की माला, अजब अजब श्रृंगार करने में नये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, अब अगर 50% पर राम जी हमार बात मान गए, देखो हमारा काम यही है, इधर से नहीं तो उधर से, इधर से कान पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, पकड़ा हम उनको काम देंगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब धनुष तोड़ने वाले को कम से कम इतनी सफलता प्राप्त कर लाए कि शंकर जी के बराबर वो इनके मुंह तक कबा दिया है, न वो कम है न ये कम है, इतनी सफलता हमको प्राप्त हो गई, कान पकड़ा दिया तुमने,
कान तुमने हमको पकड़ा दिया, ये नहीं कौन सी गलती कर दी जो कान हमको पकड़ना पड़ा। कान का उदाहरण दिया है, जैसे गणितज्ञ के जो चतुर शिक्षक होते हैं वो गणित गणित का जब कोई प्रश्न हल नहीं होता है तो एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, माना अमुक वस्तु का मूल्य इतना है, ये मानक लगाया जाता है। तो क्या वस्तु का मूल्य उतना होता थोड़ी है? तो क्या हमने राम का विरोध किया है? क्या समाज को ये संदेश दे रहे हो कि परशुराम राम के विरोधी हैं? ना, हमने राम का विरोध नहीं किया है, हमारा राम का विरोध नहीं है। यदि परशुराम राम का विरोध करेंगे तो समाज में जो संदेश जाएगा ये गलत जाएगा। समस्या तो यही है कि आपका नहीं मालूम है कुछ, हो समझते नहीं हो, बात को निकल पड़ते हो, रात को फिर कहते हो अंधेला है। क्योंकि राम ने ही धनुष को तोड़ा है, छुअत टूट रघुपति न दोषु मुनि बिनु काज करिए कत। ये तुम कहते हो, लक्ष्मण ने कहा कि आप अब तो समानता में आ गए, तो क्या हमारा विरोध राम का था क्या? ना, हमने राम से कहा था सुनो राम जय सिंह धन तोरा सात भाव संसोरी मोरा, हमने राम को अपना शत्रु नहीं माना है, राम से कहा है कि जिसने भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन किया है वो हमारा शत्रु है। सठ सुन ही स्वभाव नमोरा, मेरे स्वभाव से तू अवगत नहीं है कि मैंने अत्याचारी छत्रु के साथ कैसा बर्ताव किया है, कैसा व्यवहार किया है। बालक बालक बोली बधाऊ नहीं तो ही केवल केवल मुनि जड़ जान सिमो, बालक बोल बधाऊ नहीं तो ही, मैं तुझे बालक बोल चुका हूँ, कहाँ पर ऋण बालक, इसलिए बधाऊ नहीं तो ही। दूसरा भाव है, बालक जान करके मैं तेरा वध नहीं करता, और तू मुझे क्या समझता है? तू मुझे समझता है मुनि जड़, जड़ मुनि समझता है। दूसरा भाव है, मुनियों की जड़ समझता है। यदि तू मुझे मुनियों की जो समझता है तब भी अंच समझता है, केवल मुझे समझता है। राजकुमार लक्ष्मण, मैं केवल मुनिगण नहीं हूँ, मैं मुनियों की जड़ हूँ, इसके साथ साथ और कुछ हो क्या हूँ? बाल ब्रह्मचारी अति को विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोह, अजन्मा ब्रह्मचारी स्यात् ब्रह्मचर्यं प्रतो स्थिता बल वीर्यं विश्व जानीयात् क्षत्रिय कुल द्रोहिणा क्षत्रिय कुल द्रोहिणा क्षत्रिय कुल द्रोहिणा। भुज बल भूमि भूप विनु कीनी विपुल विपुल बार मही देवन मैंने भुजाओं के माध्यम से इस पृथ्वी को निक्षत्र करके ये भूमि भूमिहीन ब्राह्मणों को दे दी है। सहस बाहु सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महीश कुमार, सहस बाहु अर्जुन की हजार भुजाओं का छेदन करने वाले परस को देख क्षण मात्र में तू ही काल का कवल हो जाएगा। मात पितही मात पितही जन सोच बस करस महीश किशोर गर्भन के अरभ दलन परसु मोर अति भोर, काल के वशीभूत होकर अपने माता पिता को सोच के वशीभूत करना चाहता है। गर्भन के अरभ दलन परसु मोर अति घोर अति घोर अति घोर, बिहसी लखन बोले मृदु वाणी अहो मुनीश महा भट मानी। परशुराम जी अपना स्वभाव बता रहे हैं, स्वभाव स्वभाव नहीं है इनका प्रभाव है, ये स्वभाव अपना थोड़ी बता रही है, तो अपना प्रभाव बता रहे हैं। वो हमें लगता है कि इनके स्वभाव को हमको स्वभाव के रूप में नहीं देखना है, प्यासी इनके स्वभाव को हमको सील के रूप में देखना है। वो किस प्रकार से? आपके श्री मुख से कहे बुलखना मुनि सील तुम्हारा को नहीं जा
संसार परात आपके सिल को कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। कौन नहीं जान विदित संसारा, सारा संसार जानता है। क्या क्या जानता? माता पितही माता पितही उरिन भय गुरु ऋण ला सोच बढ़ जी। भगवान परशुराम जी अपने माता पिता के ऋण से हो गए हैं, गुरु का ऋण शेष है, वो सोच का कारण बना हुआ है। हमको लगता कुछ ऐसा है चित्र बात है। देखो संसार के लोग ऋण लेते हैं तो अपने माथे, संसार के लोग जब कोई ऋण लेते हैं तो अपने माथे, वो इन्होंने ऋण लिया है हमारे माथे। देख लियो, अरे जब ऋण आपने हमारे माथे लिया है तो हम समय पर देना जानते हैं, क्योंकि अगर ऋण समय पर न दिया गया तो ब्याज बढ़ता रहेगा। एक स्थिति वो आ जाती है कि ब्याज पर ब्याज शुरू हो जाता है, उसको चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, है ना। तो हम ये ब्याज यार देना नहीं चाहते, दिन बढ़ते रहेंगे तो ब्याज बहु बढ़ा, ब्याज बहुत हो जाएगा। इसलिए एक उपाय आपको करना होगा। उपाय क्या है? अब आप व्यवहार को बुलाओ, व्यवहारिया बोली, और जब व्यवहारिया बोली तो विश्वास रखो तुरंत देऊ मैं थैली खोली। सुना जी, तुरंत देऊ मैं थैली खोली, मैं थैली खोल करके दे दूंगा, शेष ऋण उसकी पूर्ति कर दूंगा।